परेशानी कोई बात नहीं है, सो गया। पाखरा आंटी को फोन करें ना एक दफा। पाखरा आंटी, मैं काफी नहीं तुम्हारे लिए? हाँ तो क्या कोई नहीं आ रहा? सिर्फ मैं और तुम, किसी और की क्या जरूरत है? हाँ चलो सो गया मेरे साथ। क्या हो गया भाई? पीछे हटो, तुम्हारी भी माँ बहने होंगे, क्या कर रहे हो तुम? गर्लफ्रेंड है मेरी, थोड़ी लड़ाई हो गई है, तुम प्लीज यहाँ से हटो। अरे बेटा प्लीज, क्या हो रहा है, क्या मसला है? क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या हंगामा मचा रखा है भाई तुमने? रमेश से पूछे, पता नहीं लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है ये। अंकल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, खुद मेरे घर पे आई है और आज हमारा निकाह था, तो आप परेशान ना हो, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मना लूंगा उसको। नहीं झूठ बोल रहा है, ये मुझे धोखे से यहाँ पे लाए। क्या लगा रखा है? अकेले छोड़ बोल, क्या ये सही कह रहे हैं? अरे हाजी साहब आप चुप खड़े क्यों हैं? तो यार पुलिस को फोन करो। हाजी साहब पुलिस को बुलाइए, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो लड़की, सीधे अपने घर जाओ, शरीफ बच्चियां अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम रुस्वा नहीं करते, कोई इज्जत आबरू का भी ख्याल करना चाहिए तुम्हें, जाओ सीधे अपने घर। अरे हाजी साहब ये क्या कर रहे हो, आप तो पुलिस के हवाले कर रहे हो उसे, ये दोनों बदकार है, अल्लाह माफ करे, माँ बाप तालीम के लिए भेज रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं ये बदकारियां? पहले तो लड़कों को काबू रखना मुश्किल था, मगर अब इन लड़कियों ने शर्म आया सब।